किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक बार सूर्यास्त के समय सूरज ने दुनिया से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में कौन काम करेगा। सब खामोश रहे, तब एक दिया धीरे से बोला, मैं कोशिश करूंगा। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लड़का गांव में एक छोटे से कमरे में रहता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी रहा था, पढ़ाई भी करता था, एक सेठ की दुकान पर काम भी करता था, लाइफ चला रहा था। शाम में पढ़ने के लिए उसने 4 मोमबत्तियां खरीद रखी थी। चारों का उजाला होता, उस प्रकाश में वो पढ़ लेता था। एक शाम में उसे काम से बाहर जाना पड़ा। वो मोमबत्तियां जला करके चला गया कि वापस आऊंगा, पढ़ाई करूंगा। जब वो चला गया तो चारों मोमबत्तियां आपस में बात करने लगी। पहली मोमबत्ती ने कहा कि इस दुनिया में अब शांति नहीं बची है, मैं शांति का प्रतीक हूं और मेरा अब इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। इस दुनिया में बहुत ज्यादा अशांति हो गई, लोग बहुत उदास रहने लगे, परेशान रहने लगे। ऐसा बोल करके वो बुझ गई। जो दूसरी मोमबत्ती थी उसने कहा, सही बात कह रही थी वो, मैं विश्वास का प्रतीक हूं, विश्वास तो दुनिया में बचा ही नहीं है, लोग एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते हैं, मेरा भी इस दुनिया में क्या काम। ऐसा बोल करके दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं प्रेम हूं, दुनिया में अब प्रेम कहां बचा है, लोगों के मन में प्यार ही नहीं है, सेल्फिश हो गए हैं, कुछ पल के रिश्ते रह गए, नफरत भर गई है, मेरा भी इस दुनिया में कोई काम नहीं है। ये बोल करके तीसरी मोमबत्ती जो प्यार वाली थी वो भी बुझ गई। लेकिन चौथी मोमबत्ती जो थी वो जलती रही। वो लड़का सामान लेकर के वापस आया और जब अंदर आया कमरे में तो देखता है कि 3 मोमबत्तियां बुझ गई हैं, उसकी माचिस भी खत्म हो चुकी थी। उसे गुस्सा आने लगा, कहने लगा, क्या कर दिया ये, तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो, मेरे पढ़ने का सहारा हो, ये 3 मोमबत्तियां बुझ गई, मैं क्या करूंगा। तब चौथी मोमबत्ती ने कहा कि उदास क्यों होते हो, मैं आशा का प्रतीक हूं, मैं आशा वाली मोमबत्ती हूं, उम्मीद वाली मोमबत्ती हूं, जब तक मैं हूं तब तक प्यार भी रहेगा, विश्वास भी रहेगा, शांति भी रहेगी, तुम मेरी मदद से बाकी 3 मोमबत्तियों को जला सकते हो। लड़के ने वही किया, 4 मोमबत्तियां फिर से जलने लगी। कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। लाइफ में जब तक उम्मीद की मोमबत्ती जल रही है तब तक लाइफ चल रही है। अगर आप उम्मीद की मोमबत्ती भी बुझा देंगे तो फिर लाइफ में कुछ बचा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में शांति नहीं है, विश्वास नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, सब खत्म होने को आया, तो चौथी मोमबत्ती को बुझने मत देना, उस उम्मीद की मोमबत्ती से 3 मोमबत्तियां जला देना। एक बार फिर से वही बात कहना चाहता हूं जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।